और आइए आपको बताते हैं कुबेर टीले को आपकी क्या है ये कुबेर टीला। श्री रुद्र यावल में मिलता है परिचय इसका। पुरातन में दरअसल नवरत्न भी कहा गया है कुबेर टीले को। यही महादेव का प्राचीन शिवलिंग भी है और ऊंचाई से मंदिर के दिव्य दर्शन होते हैं। राम मंदिर के दिव्य दर्शन ऊंचाई से हो पाएंगे। कुबेर टीले की एक खासियत है, राम मंदिर परिसर में ही इसे बनाया गया है। श्री रुद्रयावल में मिलता है इसका परिचय भी और पुरातन में नवरत्न भी इसे कहा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, काल चक्र बदल रहा है, हमारा भविष्य अतीत से भी सुंदर होगा, राम आग नहीं ऊर्जा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। विशेष उपवास अनुष्ठान। ये मंदिर उनकी मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए तो विरासत पर गर्व करते हुए भारत का जो लक्ष्य है वो साधना होगा और कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं, ये राम मंदिर सिखाता है। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राम नगरी अयोध्या का हम रुख करेंगे। विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्पीच के बाद, इस संबोधन के बाद आम लोगों के? आवाज आ रही है आपको? जी पंकज, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का एक हिस्सा हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। हेलो, पंकज मेरी आवाज नहीं मिल रही है आपको? कुमार कुंदन, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल समीर, मुझे आपकी आवाज मिल रही है और अभी इस वक्त सबको इंतजार प्रधानमंत्री के निकलने का है जी। और लोग यहाँ पे काफी देर से पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। एक बात बताइए, कितना इंतजार है पीएम का अभी आप लोगों को? बहुत इंतजार है। हाँ। हम उन्हीं की राह देख रहे हैं। हाँ। और जैसे आएंगे। हाँ। हम उनसे मिलने के लिए बहुत राम जी, मैं तस्वीर दिखाऊंगा जरा, दोनों तरफ अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा दिखाएं किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ लोग काफी समय से खड़े हैं इस बात के इंतजार में कि प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री को ये देखेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करेंगे। बड़े भाई, कहाँ से आए आप? हमने कलकत्ता से आया सर। अच्छा, और कितना इंतजार है पीएम का? बस सर, और 10-15 मिनट इंतजार है, हम तो मंदिर के गेट ही में थे। हाँ। उधर थोड़ा दबचट निकल गए तो साहब लोग बोले खिलाफ काम मत कीजिए जी, तो इसलिए हम रुके हुए हैं। साहब लोग जैसा कह रहे हैं वैसा पालन की सुरक्षा पालन भी है। कितना इंतजार है पीएम का? एकदम जगह में बिल्कुल आएंगे आपके पास। कुमार, लोगों में उत्साह है, प्रधानमंत्री मोदी को देखने का बहुत ज्यादा उत्साह है। विपिन चौबे के पास चलते हैं और पूरा वातावरण इस वक्त राममय है। और विपिन, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राम प्रभा भी हैं, प्रभाव भी हैं, राम विवाद नहीं है, समाधान है। एक बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया इस मंच से, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? जहां पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया और सेलिब्रेशन जो पिछले एक हफ्ते से अयोध्या में हो रहा है वो देखिए कैसा चल रहा है। और इस वक्त अयोध्या कैसे धुन में खो गई है, क्योंकि आज का दिन खास है। क्यों खास है? क्योंकि सनातन धर्म
समझिए कि लोग इससे ज्यादा खुश हैं। खुश है आप लोग, राम आ गए, भगवान श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम आ गए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 140 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और पूरे चेहरे पर राम 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 राम, सिर्फ राम ही राम है, चारों तरफ राम है, अयोध्या में राम है, दिल्ली में राम है, मुंबई में राम है, पूरा देश, बिल्कुल पूरा वातावरण राममय हो रहा है। और पंकज झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त अयोध्या से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा, हमारा भविष्य अतीत से भी सुंदर होगा, यानी भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए ये देश आगे बढ़ेगा, ये अवधारणा भी आज उनकी तरफ से रखी गई है, लोग कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, उन्होंने एक तरीके से जो आज भाषण दिया उसके बाद उम्मीदें जगी हैं और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लोग यहीं से देख रहे थे, आपने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि भविष्य जो है वो अतीत से भी बढ़िया हुआ, क्या लग रहा है उम्मीदें? मैं अयोध्या से ही हूँ और मैं लाइजनिंग ऑफिसर्स के तौर पर यहाँ ड्यूटी पे कार्य कर रहा हूँ, तो बहुत ही शानदार अयोध्या का विकास होगा और राममय अयोध्या आप देख ही रहे हैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश राममय है। जहां तक विकास की बात आती है तो निश्चित तौर पे अयोध्या में बहुत विकास हो रहा है। मैं आपको देख रहा था, आप आए पूछे कि मोदी किधर से निकलेंगे? हम सवेरे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन मोदी जी जैसे हम श्री राम जी का इंतजार किया इतना 500 साल, तो 5 घंटे के हम 10 घंटे रुकेंगे, लेकिन आज जैसे श्री राम जी का दर्शन लेंगे जैसा मोदी जी का भी दर्शन लेंगे, उसके बिना जाएंगे नहीं। जय श्री राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग खड़े हैं, आप लोग भी कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। आप भी खड़े हैं उसी लिए? हाँ, उसी लिए खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? एक बार दर्शन हो जाए, राम जी के दर्शन करना है। अभी आज शाम को अगर दर्शन होते तो ठीक, नहीं तो सुबह फिर रात भर खड़े रह के दर्शन पक्का करेंगे। तो रामलला के दर्शन के लिए लोग खड़े हैं, मोदी को देखने के लिए खड़े हैं, ये लंबी कतार लगी 500 सालों तक। पंकज, जो प्रतीक्षा है वो पूरी हो चुकी है तमाम राम भक्तों की, और अभी भी राम भक्त पलक पावड़े इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आ जाए, राम मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचे, आशीर्वाद लेने पहुंचे। पंकज, आऊंगी आपके पास, अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, अयोध्या अभिजीत के पास चलते हैं, उनके पीछे भी हम देख सकते हैं भारी भीड़ है। अभिजीत, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही कि राम आग नहीं ऊर्जा है, और यही ऊर्जा का स्रोत है जो इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। सुबह से जो लोग झूम रहे हैं, नाच रहे, अभी थक नहीं रहे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए गुजर सकते हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर आपको मंच पर जो कलाकार झूमते दिखेंगे उसके साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालु भी सैकड़ों की संख्या में आपको झूमते हुए दिखाई देंगे, और इस तरह का नजारा यहाँ पर राम पथ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु काफी समय से झूम रहे हैं। तो जो काल चक्र बदलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि काल चक्र तो बदल चुका है, त्रेता युग आ चुका है, और वो इसी की खुशी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब काल चक्र बदल चुका है, समय बदल गया है। अरे ये तो अभी धक्की है, मधुमथुरा और काशी अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब काल चक्र बदल रहा है। बहुत ही शानदार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसा ही यूपी हुए हमारी, अब काशी की बारी के बाद मथुरा का नंबर भी आ गया। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समापन के साथ ही श्रद्धालुओं का ये जोश देख लीजिए, उत्साह देख लीजिए कि कह रहे हैं कि अयोध्या में तो समय बदल गया लेकिन अब मथुरा और काशी की बारी है, और ये जो उत्साह, ये जो जोश दिख रहा है, उनका कहना है कि समय को अभी और बदल। बिल्कुल बिल्कुल, अभिजीत बने रहे आप हमारे साथ, और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुबेर टीला पहुंच गए हैं, जिसकी महत्ता के बारे में लगातार हम आपको बता रहे थे। यहां पर भगवान शिव के वो पूजन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तस्वीरें आपके सामने हैं, पूजा अर्चना यहां पर शुरू हो चुकी है। अयोध्या के कुबेर टीला पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पूरे विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चना चल रही है। यही महादेव का प्राचीन शिवलिंग है,
ऊंचाई से यहाँ पर मंदिर के दिव्य दर्शन होते हैं, राम मंदिर पूरा नजर आता है और राम मंदिर का जो पूरा परिसर है, जो कैंपस है, उसी में ये कुबेर टीला मौजूद है और इसकी अपनी महत्ता है। पुरातन में इसे नवरत्न कहा गया है और यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद महादेव की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त अयोध्या के कुबेर टीला से देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने जी हाँ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुबेर टीला से और श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही मौजूद है कुबेर टीला। और ये टीला करीब 100 फीट ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा, ये मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ से पूरा मंदिर परिसर दिखता है, पूरा मंदिर दिखता है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर दिखेगा। यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं जहाँ पर पंडित जी के जरिए उन्हें पूजा आगे बढ़ाई जा रही है, पूजा अनुष्ठान कराया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर की दीवार करीब 2.5 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची थी, जो पहले क्योंकि प्राचीनतम कुबेर टीला रहा है, ट्रस्ट ने इसका जीर्णोद्धार भी किया है, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसी के जरिए इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और यहाँ से पूरी लगभग पूरी अयोध्या भी दिखती है और श्री राम का जो भव्य मंदिर बनाया गया है वो पूरा दिखता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुबेर टीले में। और आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। बहुत उम्मीदें जगाने वाला संबोधन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए ये अवसर, ये मौका केवल विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। हमारा देश अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है, राम मंदिर सभी के लिए उज्जवल भविष्य की प्रेरणा लेकर आया है। तो ढेर सारी उम्मीदें आने वाले वक्त के लिए जगाने वाला संबोधन, जगाने वाला भाषण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर के प्रांगण से पूरे देश ने देखा। और अब कुबेर टीला पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। जी हाँ समीर, मान्यता ये भी है कि जो कुबेर का टीला था राम के जन्म से पहले भी था और जो अयोध्या के महाकाव्य है इसमें कई बार कुबेर के टीले का जिक्र है, इसीलिए कुबेर का टीला महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की यहाँ पर पूजा आराधना की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से और हर तस्वीर इस वक्त अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ विपिन के पास चलते हैं। विपिन भी कई लोगों के साथ मौजूद हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उत्साह है वो चरम पर है राम भक्तों के बीच में। विपिन, ओवर टू यू, इस वक्त आप क्या दिखा सकते हैं तस्वीरें, राम भक्तों से बात कीजिए, किस तरह का जोश और जुनून उनके दिलों में है इस वक्त। देखिए निधि, शोर बहुत ज्यादा है, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया, लेकिन उसके बावजूद मैं जान सकता हूँ कि पूरा देश, पूरी दुनिया और आप भी इस वक्त जानना चाह रहे होंगे कि अयोध्या में उत्साह कितना ज्यादा है। क्या सुनाएंगे? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे तेरे वाले आएंगे, मेरे दो आप ये बताइए, भगवान राम आ गए? आ गए। दर्शन किए आप लोगों ने? दर्शन करना चाहते हैं? तो रुकिए, मैं अपने मोबाइल पर दर्शन कराऊंगा, टीवी 9 भारतवर्ष आपको दर्शन कराएगा और ये दिखाएगा कि भगवान का वो सुंदर स्वरूप कैसा है। देखना चाहते हैं सारे लोग? देखना चाहते हैं? एक लाइन से, एक लाइन से, ये देखिए, दर्शन करिए। जय श्री राम, 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 जय। अच्छा अब ये बताइए, दर्शन हो गए, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कैसे लगे भगवान? कैसे लगे भगवान? कैसे लगे भगवान? आ गए, आ गए, आ गए, आ गए।
खुश है, खुश है, इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है, तरक्की कर रही है कि नहीं? अब बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे आप शांति चाहे। अच्छा कहाँ से आया है? अब मालदा से। कैसे? बांग्ला से। बांग्ला। बांग्ला और दीदी कैसे? दीदी नमस्ते राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बांग्ला में भी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराष्ट्र में भी जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में जय श्री राम। उड़ीसा में भी जय श्री राम। जय श्री राम। जय बिहार। पूरे बिहार जय श्री राम। बिहार भी जय श्री राम। पूरे बिहार जय श्री राम। पूरा बताइए मेरे बुंदेलखंड में जय श्री राम। बुंदेलखंड में जय श्री राम। ये बताइए कि अब 24 में क्या होगा? मोदी 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 हिंदू राष्ट्र मोदी मोदी योगी मोदी 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 मोदी। तो विपिन चौबे को आप देख रहे हैं तमाम राम भक्तों के साथ अयोध्या में वो मौजूद हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से ही। कुमार, आने वाले वक्त के लिए भी बड़ा संकेत देने वाला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहा। देश अपनी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजते हुए कैसे आगे बढ़ेगा विकास की राह पर, इसका खाका भी एक तरह से आज उन्होंने पेश किया। निश्चित रूप से, और जिस विकास की खाका और जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं उस राम राज्य को भी उन्होंने एक तरह से बताने की कोशिश की। आप, मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। समीर की वीवीआईपी मोमेंट एक बार शुरू हुआ है और जो लोग आए हुए थे अब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं एक एक करके। हालांकि आधिकारिक रूप से बताया गया था कि इसमें 2 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही। लेकिन जिस दिन हम बोला और खास करके जब द्वार खुला और राम जी के हमने दर्शन किए तो बहुत ही इमोशनल था। रोए, मैं भी रोया। वी गॉट वेरी इमोशनल अबाउट इट, द होल थिंग वाज सो इमोशनल। एंड मंत्र उच्चार हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे ख्याल से भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ा एक आज जो है एक ये हुआ है राम जी के लिए। और मेरे ख्याल से हर कोई से, हर देशवासी, हर कोई से कनेक्ट कर पाएगा और राम जी के मंदिर में यहाँ पे दर्शन करने आएगा। धन्यवाद। राम से राष्ट्र की बात। मधुर भंडारकर को आप सुन रहे थे, कैसे वो प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए भावुक हो गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कुमार कुंदन, ओवर टू यू, कंप्लीट करें। तो छोड़ते हैं, हम तो 2 दिन से आके इधर दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अभी बोल रहे कल से होगा, अभी देखते हैं। लोग जो गेस्ट वीआईपी खुलेगा आम आदमी के लिए कल से ही खुलेगा। तो मैं एक बार फिर से एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो दूसरी तस्वीर है आपको दिख रही होगी, जिसमें कि सिक्योरिटी वालों ने एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है और इस अरेंजमेंट के तहत हर कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तकरीबन 6 से 8 हजार लोगों के अंदर में होने की बात कही जा रही थी और उन लोगों को एक एक करके धीरे धीरे यहाँ से निकाला जा रहा है। काफी ज्यादा भीड़ हो गई है, जहां भी नजर जाएगी समीर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। एक बार 360 डिग्री कैमरे पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग यही अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं। जी जी जी। और कितना उत्साह दिख रहा है? कुमार कुंदन आपके पास एक बार फिर आएंगे। गौरव इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए हर चप्पे पर इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, 5.5 लाख मंत्रों का उच्चार हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सबसे खूबसूरत पल वो 10 सेकंड थे जब रामलला की तस्वीर पूरे जग ने देख ली और यही वो वक्त था जब आंसू आ गए। ये किस तरह से बयां कर रहे हैं अयोध्या वासी जो आपके साथ मौजूद हैं? देखिए 35 मिनट प्रधानमंत्री बोले सबको राम राम, हमारे राम आ गए। और राम के आने की खुशी में देखिए यहाँ पर कैसे लगातार यहाँ नाचने गाने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये लोक कलाकार हैं जो जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। भैया ये बताइए कितनी खुशी है प्रभु राम के आने की? बहुत खुशी है, ऐसा लग रहा है हमारा जन्म सफल हो गया है। प्रभु राम के आने की खुशी में ऐसा लग रहा है हमारा जन्म सफल। आप अभी डांस कर रही थी, कितना खुश है? बहुत खुश है, ये हमारे नृत्यों के। अभी आप थिरक रही थी, कुछ बताइए कैसे प्रभु राम का स्वागत कर रही थी? आज मेरे राजा सब जगत पे व्याप्त हो गए हैं, आज उन्हें अपना स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग इतने उत्साहित हैं जिसका हम शब्दों से वर्णन नहीं कर पा रहे, तो हम नृत्य करके उसका कर रहे हैं। दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर, ये आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये उसी मंडली का हिस्सा है जो आपको बता रही थी कि कितना खुश है। लेकिन ये आप देखिए सामने ये मंडली, कहाँ से आई ये मंडली? जी हम तो कानपुर से आए, हम मंडली में नहीं है। हम लोग एक साथ हैं। आप अभी यहाँ पर थिरक,
देखिए ये है राम भक्त मिल गए, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये मंडली देखिए कैसे यहाँ पर थिरक रही है, कैसे यहाँ पर डांस कर रही है, और कितने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये कैसे यहाँ पर थिरकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये आप देखिए राम भक्तों का जोश, अभी भी पैर रुक नहीं रहे हैं किसी के, अभी भी कोई यहाँ पर रुक नहीं रहा है। और देखिए जो अभी आपको बात कर बता रही थी कि कैसे वो यहाँ पर उनका जोश कम नहीं हो रहा, वो पहुंच गई फिर से स्टेज पर थिरकने के लिए कानपुर से। बिल्कुल गौरव अग्रवाल को आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर अयोध्या की गली गली में इस वक्त राम नाम की गूंज नजर आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रामलला का विराजना एक तरह से राम राज्य की उद्घोषणा है। बहुत मुश्किल टास्क सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि राम राज का जब जिक्र होता है तो राम राज में हर कोई सुखी था, तो ये एक बहुत मुश्किल लक्ष्य है और जिसे सरकार ने अपने हाथों में लिया है, कम से कम कहा तो यही जा रहा है। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगा ही सब साफ हुए, जी बिल्कुल। और जो भी उनकी बातों से यहाँ के लोग भी सहमति जताते हैं, योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया बड़ी बात है, आपको लगता है कि समय वाकई में बदला है बहुत बहुत। अब तो यहाँ के मूल निवासी है, हमने तो बहुत कुछ देखा है, गोलियां चलती हुई देखी है, कर्फ्यू देखे है, महीने महीने दो महीने आवागमन पूरा बंद रहा करता था। आपको लगता है कि आज ये काम हुआ है, लेकिन आगे एक साथ स्क्रीन में चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कितना कलरफुल नजारा इस वक्त है। विपिन हमारे साथ बने हुए हैं, विपिन कुछ कह रहे हैं, ओवर टू यू। तो विपिन से दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम, विपिन जहां पर हैं वहां पर हम गाड़ियों का काफिला गुजरते हुए देख रहे थे, लेकिन चार तस्वीरें जी विपिन वो यहां से निकल रहे हैं और उनको देखने के लिए रोड के दोनों तरफ सरसंघ चालक मोहन भागवत जी इस वक्त यहाँ से निकले हैं, और ये उनका काफिला है, और जब काफिला निकलता है तो लोग बहुत जाते हैं। एक बार लोगों से आप लोग नारे लगा रहे थे, कौन सा नारा लगा रहे थे? जय जय श्री राम, नारा लगा रहे थे जय श्री राम, कौन सा नारा लगा रहे थे? कौन सा नारा लगा रहे थे? कैसा लगा? बहुत आनंद आ रहा है, मजा लगा। लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा, मन बहुत अभिभूत है। और अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है।